So hello everyone, Tinkerpreneur is a very good platform to learn so many things in one go only. This is a program of 2.5 months. Okay, in 2.5 months we learn many digital skills. उसके बाद हम उसको perform करते हैं और अपना एक project prepare करते हैं, जो कि बहुत सारी stages से होके जाता है. First stage learning, उसके बाद हमें उसको कैसे project बनाना है, उसके बाद हमको उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, पिचिंग करनी है उसकी, और कैसे हमें उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है. ओके तो हमारे इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, हर वीक एक टास्क आता है एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट टास्क इन दैट वीक ओनली. करेक्ट, तो कैसे करेंगे, लेट स्टार्ट. सो दिस इज अ लिंक. ओके, ये लिंक आपको सबको मिलेगा. आपको क्या करना है, जस्ट हैव टू गो ऑन दिस लिंक aim.gov.in tinkerpreneur2024. यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन IDs डालनी है, ईमेल आईडी, योर पासवर्ड एंड आफ्टर दैट द कैप्चा कोड. ओनली थ्री थिंग्स आर देयर. आप जब इस लिंक पर जाएंगे, यू हैव टू फिल योर ईमेल आईडी, देन पासवर्ड एंड द कैप्चा कोड ओनली, एंड जस्ट क्लिक ऑन द लॉग इन. ठीक है, जैसे ही आप लॉग इन पर क्लिक करोगे, ये पोर्टल आपका ओपन होगा. आफ्टर लॉगिंग इन, आपकी यहाँ पर एक आईडी आ रही होगी जो आपकी अपनी नेम से बनी होगी, आपके टीम की आईडी, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से आपको स्टार्ट करना है काम. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है यहाँ पे, नो योर मिंटोर. तो हर टीम को, हर स्टूडेंट को एक मिंटोर असाइन हुआ होगा एम की तरफ से. तो आपको यहाँ जाना है, नो योर मिंटोर, क्लिक करना है इस पे. ठीक है, एंड यहाँ पर आपके मिंटोर की डिटेल्स होंगे नीचे. सी, नेम, जेंडर, डिग्री, लैंग्वेज उनको क्या पता है, उनका ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर. तो हमको बाकी डिटेल से कोई मतलब नहीं है, नेम और कॉन्टेक्ट नंबर हमारे लिए इनफ है. ठीक है, तो अगर आपके मेंटोर ने आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है, जहां पर आपकी टीम को वो असाइन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है. इफ नॉट, प्लीज डू कॉन्टेक्ट ऑन दिस कॉन्टेक्ट नंबर जो वहां पर गिविन है. उनको कॉल करो एंड आस्क देम कि मैम और सर, मैं आपका मेंटी हूँ टिंकरप्रेन्योर में, आप मेरे मिंटोर असाइन हुए हैं एंड अभी तक आपने मुझे किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया है, सो प्लीज डू ऐड मी इन योर ग्रुप एंड प्लीज चेक माय असाइनमेंट्स. इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, अपने पोर्टल पे जाके सबको नो योर मिंटोर पे जाके ये चेक करना है कि आपको मिंटोर असाइन हुए हैं कि नहीं, यहाँ पर डिटेल्स होंगे. और उसके बाद इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है और पता करना है कि आपके मिंटोर जो हैं, उन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया है या नहीं. सबको क्लियर हुआ फर्स्ट टास्क? ठीक है, आफ्टर दैट आपके मिंटोर ने आपको ग्रुप में ऐड कर लिया, आपका उनसे कॉन्वर्सेशन बन गया. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे वीकली टास्क. वीकली टास्क के लिए हमारे पास देखो, मॉड्यूल्स में आप जाओगे ना, मॉड्यूल्स पे एक बार यहाँ क्लिक करो. साइट थोड़ा स्लो है इनका, कई बार ऐसे ही काम करता है. जस्ट अ मिनट, इट्स स्लो, लेट इट वर्क. आफ्टर डूइंग दैट मेंटोर थिंग, आप यहाँ मॉड्यूल्स पर जाएंगे तो आप देखो कितने टास्क हैं हमारे. फर्स्ट इज बिल्ड अ डिजिटल प्रोडक्ट, उसके बाद रिफाइन करना, देन डेवलप, क्रिएट अ ब्रांड, लर्न अबाउट बिजनेस फाइनेंस, सेटअप एन ऑनलाइन स्टोर, लॉन्च योर ऑनलाइन बिजनेस एंड पिच योर बिजनेस. ये हमारे पर वीक का टास्क है, यानी फर्स्ट वीक में ये कंप्लीट करना था, सेकेंड वीक में ये, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, सेवेंथ वीक एंड एट्थ वीक.
हर वीक में, यानी पूरे एक हफ्ते में हमको सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करना है। तो ये हमारे 8 वीक्स का टास्क है। अब क्योंकि हम ऑलरेडी 2 वीक्स लेट चल रहे हैं, अभी हमने पिछले 2 वीक्स में कुछ नहीं किया है, करेक्ट है, तो हमको इस वीक में 3rd वीक तक का टास्क कवर करना पड़ेगा। तो आप सबको पहले वीक का काम भी करना है, 2nd वीक का भी करना है, 3rd वीक का भी करना है, और नेक्स्ट वीक से हमें हर वीक सिर्फ एक टास्क करना होगा। क्लियर है सबको? अब करना कैसे है, तो पहले यहाँ आते हैं। जो पहला है हमारा बिल्ड अ डिजिटल प्रोडक्ट, उसके लिए हमें डिजिटल स्किल लर्न करनी पड़ेगी। तो आप इधर आओ, लेफ्ट में, एक्वायर डिजिटल स्किल्स, ठीक है, ये हमारी सारी लर्निंग स्किल्स हैं। दीज स्किल्स विल टेक हार्डली 15 to 20 मिनट्स और हाफ एन आवर टू लर्न, लेकिन आपको इतनी सारी चीजें करना आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। फर्स्ट इज QR कोड। QR कोड कैसे बनाना है, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। कैसे करना है, क्लिक ऑन दैट QR कोड। मैं आपको एक स्किल बताती हूँ। आपने क्लिक किया QR कोड लर्न करने के लिए, ठीक है, आप नीचे आओ। हियर इज अ इन्फॉर्मेशन QR कोड क्या होता है, सिर्फ 2 लाइन का डेफिनेशन है, जिससे आपको समझ में आए दैट वॉट इज QR कोड। आफ्टर दैट हियर इज वॉट इज QR कोड एंड हम उसको कैसे बना सकते हैं, ये ट्यूटोरियल है। ये देखो यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि आपको कैसे बनाना है, कैसे करना है, किस साइट पे जाके बनाना है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस, यहां से आप लर्न करोगे। आप इधर आप जाओगे, देखो यहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, आप इसको इधर से बड़ा कर सकते हो, एंड आफ्टर डूइंग दिस आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हो। सी वॉट इज QR कोड, हाउ डज इट वर्क, कैसे हम इसको एम्बेड करते हैं, QR कोड स्कैन करने पे क्या होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, QR कोड का एग्जाम्पल क्या है। अब हमें इसको लर्न करना है, हमें इसको बनाएं कैसे। सो क्लिक हियर, ट्राई इट नाउ। यहाँ आपको ये बताएगा कि आपको कैसे बनाना सीखना है। तो आपको कहाँ जाना है, QR कोड मंकी साइट पर जाना है। हियर इज द लिंक QRcodeMonkey.com। वहां जाओगे तो आपको वहां पे कैसे बनाना है QR कोड, द कंप्लीट प्रोसेस इज हियर, ठीक है। हाउ कैन आई स्कैन द QR कोड, एक्टिविटी QR कोड की। सो हियर इज द, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। यू हैव टू गो ऑन द QR कोड मंकी, देन यू हैव टू यूज द डिफरेंट रिसोर्सेज, वेबसाइट एड्रेस, यूट्यूब वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, वट एवर QR कोड यू आर गोइंग टू क्रिएट, यू जस्ट हैव टू यूज दैट लिंक एंड यूज दैट इन मेकिंग QR कोड एंड योर QR कोड विल बी क्रिएटेड देयर। सो हियर इज द कंप्लीट प्रोसेस, करेक्ट। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड जैसे ही आप प्रोसेस फॉलो करेंगे आप वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एक एक्टिविटी करने के बाद यू हैव 2 टास्क। जब आप सबसे नीचे पेज पर आओगे, फर्स्ट इज टेक अ क्विज, क्लिक ऑन दैट, एक छोटा सा क्विज यहाँ पर आएगा एंड यू हैव टू गिव दैट क्विज। और वो क्विज हमारा उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जनरेट अ QR कोड। 1, 2, 3, 4, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। आप ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करके सबमिट करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, लास्ट इज नॉट द लीस्ट, सबमिट असाइनमेंट। आप यहाँ क्लिक करोगे सबमिट असाइनमेंट पे, और इसमें आपको क्या सबमिट करना है, आफ्टर लर्निंग दैट एक्टिविटी, जैसे आपने QR कोड लर्न किया, आप अपना एक QR कोड जनरेट करोगे, और जो आप QR कोड जनरेट कर लोगे उसकी जो फाइल है वो आपको यहाँ डाल के सबमिट द URL पे, अपने QR कोड की फाइल डाल के आप इसको यहाँ सबमिट कर दोगे। जब आप ये सबमिट कर दोगे तो आपका ये प्रोजेक्ट आपके मिंटोर के पास जाएगा, जिसको आपने कॉन्टेक्ट किया था, वो इसको चेक करेंगे और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अगर आपका ठीक होगा फाइल तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप गलत असाइनमेंट सबमिट करोगे तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स वाई आपका आपके मिंटोर से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सबमिट कर दो, जस्ट इन्फॉर्म हिम कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है या हमारी इतनी डिजिटल स्किल सबमिट हो गई है, सर प्लीज चेक कर दीजिए। एम आई क्लियर टिल हियर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक बताया, QR कोड। यहां पर ऐसे 20 स्किल्स हैं। हाउ मेनी, 20, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबको पूरे 20 करने हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। अब ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, कौन कितना ज्यादा चीजें सीखना चाहता है। आप यहाँ से QR कोड सीख सकते हो, डेटा इनपुट फॉर्म कैसे बना सकते हैं वो सीख सकते हो,
कोई फोटो कोलाज कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हो। कंपोज म्यूजिक, किसी को म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक आप एआई के थ्रू कंपोज कर सकते हो। यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू गो फॉर अ वर्चुअल टूर, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू मेक अ ई बुक, जो हमारे ई बुक पीडीएफ्स होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। कॉमिक बुक, कॉमिक्स खुद से बना सकते हो आप, एक स्टोरी कॉमिक। ओके, ऑगमेंटेड रियलिटी, एनिमेशन स्टोरी, एक चैटबोर्ड बनाना, चैट जीपीटी के साथ कन्वर्स करना, 3D मॉडलिंग करना, कंप्यूटर गेम बनाना, मोबाइल ऐप बनाना, पाइथन प्रोग्रामिंग, सो ऑन। हमारे पास टोटल 20 डिजिटल स्किल्स हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू नाउ कि कितने से ज्यादा डिजिटल स्किल्स आप लर्न कर सकते हो। बट इट इज मैंडेटरी कि सारी टीम्स, एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं हर टीम में, 3। तो 3 डिजिटल स्किल तो सबमिट मिनिमम होनी ही चाहिए। आउट ऑफ 20 हर टीम को कम से कम 3 डिजिटल स्किल सबमिट करनी है, ये मैंडेटरी है। 3 से ज्यादा आप जितने करना चाहते हो, आपकी चॉइस। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। एम आई क्लियर? ठीक है, ये डिजिटल स्किल होने के बाद आपको मॉड्यूल्स पे जाना है। ठीक है, हमें फिर ये करना है। डिजिटल स्किल इज द फर्स्ट स्टेप, मॉड्यूल्स आर द सेकेंड स्टेप। डिजिटल स्किल करने के बाद आप पहले जाओगे बिल्ड अ डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ ओके, इट्स नॉट ओपन नाउ, क्योंकि अभी जो वीक चल रहा है वो हमारा डिजिटल स्किल का चल रहा है। तो आप इस वीक डिजिटल स्किल कंप्लीट करो सब लोग, एटलीस्ट 3 स्किल्स, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो जाए। एंड नेक्स्ट वीक जब आप इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ क्लिक कर पाओगे। सिमिलर प्रोसेस होगा बिल्डर डिजिटल प्रोडक्ट में भी। जब आप नीचे जाओगे ना, सिमिलरली आपको एक फॉर्म मिलेगा ऐसे ही, जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का यूआरएल सबमिट करना पड़ेगा। वो यूआरएल आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। बिफोर दैट यू हैव टू मेक दैट प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर टास्क ये है, व्हेन यू हैव डन द डिजिटल स्किल्स, आफ्टर दैट योर टीम हैज टू डिसाइड कि आप प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने डिजिटल स्किल किए, टीम के 3 स्टूडेंट्स ने, एक ने किया वेबसाइट का, एक ने किया क्यूआर कोड का, और एक ने किया वर्चुअल टूर। अब हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? सो लेट्स थिंक मैम, हमारी टीम ना एक वेबसाइट बनाने वाली है अपॉन एजुकेशन। वी आर मेकिंग अ वेबसाइट ऑन विच वी विल टेल पीपल हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वेबसाइट बनाओगे, उस वेबसाइट में अपना क्यूआर कोड डाल दो, यूज हो जाएगा। उसी वेबसाइट में एक वर्चुअल टूर भी डाल दो। ठीक है, क्यों? वर्चुअल टूर कैसे? वर्चुअल टूर के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जा पाओगे जहां से आप एजुकेशन ले सकते हो। सो काइंड ऑफ दिस आप वो सारी डिजिटल स्किल यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, दैट इज अ वेबसाइट। ठीक है, तो वो जो वेबसाइट का लिंक होगा वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। कहाँ पर? मॉड्यूल्स में जाएंगे तो बिल्ड द डिजिटल प्रोडक्ट। अब ये डिसाइड आपको अभी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ये जो मॉड्यूल्स जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, जब तक आप डिजिटल स्किल कर रहे हो आपकी चॉइस चल रही है, आपका जो अच्छा लग रहा है, जो टॉपिक अच्छा लग रहा है, आपने उसको अच्छे से किया। बट व्हेन यू मूव टू द मॉड्यूल्स पार्ट, ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टिल फाइनल ऑफ द कैंप क्या प्रोजेक्ट बनाना है, बिकॉज आपका एक ही प्रोजेक्ट ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करेगा। क्लियर? आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, सबसे पहले आपने उसका बिल्डर डिजिटल प्रोडक्ट किया आपने, यानी कि सिंपल एक पेज का वेबसाइट बना लिया नेट से, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो। सेकंड में रिफाइन योर डिजिटल प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, उसी प्रोजेक्ट को यू हैव टू मोर रिफाइन। मतलब अगर इनिशियल स्टेज में आपने सिर्फ 1 पेज की साइट बनाई थी, आपने रिफाइन करने में 2 से 3 पेजेस की साइट बना दी। उसके बाद डेवलप अ बिजनेस मॉडल, तो आप अपनी साइट को कैसे प्रमोट करोगे, कैसे उसको बिजनेस में लाओगे, उसके लिए आपको यहाँ बिजनेस मॉडल बनाना है। नेक्स्ट, आपको क्रिएट अ ब्रांड एंड मार्केट योर प्रोडक्ट। अब उसकी आप प्रमोशन कैसे करोगे, ब्रांडिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए फ्लायर्स एंड पोस्टर्स हम यहाँ बनाएंगे। आफ्टर दैट हम उसके लिए फाइनेंस कैसे लाएंगे, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी बिजनेस में जा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वो हम कैसे सेट करेंगे, वो हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है। नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टोर, अगर हम उसको ऑनलाइन किसी स्टोर पे करने वाले हैं तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट, हम उसको लॉन्च कैसे करेंगे। एंड लास्ट, अगर हम उसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो अपने बिजनेस की हम पिचिंग कैसे करेंगे, हाउ वी विल एक्सप्लेन दैट टू द मार्केटर्स।
सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर ओन बिजनेस फ्रॉम लर्निंग एक्वायर स्किल टू पिचिंग योर ओन बिजनेस. इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. क्लियर? तो व्हाइल यू आर डूइंग द डिजिटल स्किल्स प्लीज मेक श्योर, मेक योर माइंड दैट ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू वर्क. अब वेबसाइट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था. इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी टीम्स वेबसाइट बनाए. मे बी किसी ने वेबसाइट बनाया, मे बी किसी ने कोई फिजिकल प्रोजेक्ट बनाया जहां पर आप ये स्किल्स यूज कर रहे हैं. करेक्ट? मे बी किसी ने वर्चुअल टूर का कोई प्रोजेक्ट बना दिया, मे बी किसी ने कोई ऑनलाइन स्टोर बना दिया ऑफ सेलिंग समथिंग, परचेजिंग समथिंग. करेक्ट? तो यू कैन मेक योर ओन आइडिया हियर, डोंट गो ऑन माई एग्जाम्पल हियर. क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट तो प्लीज आस्क फर्स्ट वन बाय वन. प्लीज आस्क बेटा, आई एम श्योर कि होगा यहाँ डाउट. एक बार में क्लियर होने वाला नहीं है ये. इफ यू विल नॉट आस्क द क्वेरीज आप नहीं कर पाओगे इसको. इधर बेटा सिस्टम के पास आ जाओ, म्यूट पर हो, प्लीज म्यूट हटाओ एंड आस्क योर क्वेरी. कम फॉरवर्ड. म्यूट हटाओ सिस्टम से और प्लीज आस्क. हाँ जी. Ma'am, I just came from the class, so I don't know that what you said in starting. Can you repeat at the starting of the class? For that, please watch the recorded session. I'll share it. It's a long class. I cannot repeat the complete class again. I'm not complete class. Like what is starting 3 to 4 minutes. Just leave it. It's about tinkerpreneur, beta. You have to complete the digital skills from here. Okay. After that, you have to go to the modules part and then you have to complete that. And you have to submit the project.